आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एस इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x² प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या आएगी 10x⁻¹। कैसे देखो, समझ लो, पहली टर्म है 1 × 2 × x, एक्स की वैल्यू जहाँ पर क्या है 1.1। ठीक है, और तुम देख सकते हो ये है 3x², फिर है 4x³, तो लास्ट यानी जो टर्म है फोर्थ टर्म है तो एक पावर कम है, तो 10th टर्म होगी तो एक पावर कम 9 आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, x इंटू एस कर रहे हैं, मतलब इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x का मल्टीप्लाई, तो ये x हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 ये हो जाएगा 3x³ और अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा इसकी जगह 10x⁻¹। ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म आएगी 9x⁹, राइट। ऐसे करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ये बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं, तो ये जाएगा एस माइनस एक्स एस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 + x + x² अप टू x⁹। ठीक है, माइनस ये वाली टर्म बस बच जाएगी, देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, राइट। ये देखो 1 तो ऐसे आ जाएगा, 2x में से x गया तो x बचेगा, 3x² में से -2x² गया x², तो सारी टर्म माइनस हो जाएंगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगी, राइट। तो 10x⁻¹ से ये 9x⁻¹ गया तो x⁻¹ बचेगा, और ये वाली टर्म किसी से माइनस हो गई तो इसको अलग लिख लिया हमने। अब यहाँ से s कॉमन लोगे तो 1 - s इज इक्वल टू, ये क्या है, देखो ये GP है, ठीक है, ये GP है जिसके फर्स्ट टर्म हमारी a है 1 और r है हमारा रेशियो, कॉमन डिफरेंस कितना है x, तो इसका सम क्या हो जाएगा 10 टर्म्स, ये 10 टर्म है यहाँ से यहाँ तक, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r, r की जगह x लिख लें, ठीक है, और x माइनस 1 और माइनस 10x⁻¹। अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस s कर ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको x माइनस 1 करना चाह रहे हैं, ठीक है, x की पावर 10 माइनस 1, जब ये x की पावर माइनस 1 हो गया और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10x⁻¹ अपॉन x माइनस 1, राइट, इसलिए ये माइनस आ गया। अब हमें क्या वैल्यू दे रखी है, हमें तो x की वैल्यू दी थी ना 1.1, ठीक है, तो माइनस s इज इक्वल टू क्या हो गया 1.1 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1.1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 1.1 की पावर 10 माइनस 1, ये नीचे कितना बचेगा 0.1 का स्क्वायर माइनस ये 10 इंटू 1.1 की पावर 10 और नीचे 0.1, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू ये आ जाएगा 1.1 की पावर 10 माइनस ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको ऊपर लेके आ गए, ठीक है, तो वो 100 है तो यहाँ पे भी माइनस 100 हो जाएगा, राइट, माइनस ऐसे 0.1 को लेके आओगे ऊपर 10 और ऊपर एक ऑलरेडी 10 है तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 1.1 की पावर 10, ठीक है, ये आ गया, ये नंबर आ गया। अब देखो ये वाली दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो ये तो हो गई कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 100, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 100, ओके, सो विच ऑप्शन आर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।